सदन की कार्यवाही के दूसरे दिन अखिलेश यादव ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि करोड़ों रुपए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट पर खर्च किए गए और ये पैसा पूरी तरीके से बर्बाद हुआ। टेंट सिटी बनाई गई लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार बेरोजगारी की तरफ ध्यान नहीं दे रही, महंगाई बढ़ती जा रही है, सरकार को स्कूल कॉलेज बनाने चाहिए। पुलिस कस्टडी में निर्दोष लोगों की मौत हो रही है, सरकार पूर्णतः तानाशाही कर रही है। छह बजट आ चुके हैं उस्मान भाई, क्या मिला? बना रहा हूँ, कैमरा नहीं बना रहा हूँ। जब छह बजट में किसी को कुछ नहीं मिला और किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है, डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि केवल डीजल पेट्रोल बढ़ा रहा है, आपका ट्रांसपोर्टेशन महंगाई बढ़ेगी, सड़क महंगी बनेगी, अस्पताल महंगी बनेगी, आपके और शिक्षा के संस्थान महंगे बनेंगे, डीजल पेट्रोल उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट का चार्जशीट ले लेंगे, ठीक है ना? चले जाए तो मालूम हो जाएगा तो कितना इन्वेस्ट हुआ है, कितना नहीं हुआ। जब लोकसभा का चुनाव चले भाई, जनता को गुमराह करने के लिए केंद्र सरकार और योगी सरकार इन्वेस्टर्स मीटिंग करती है। आपको याद होगा 18 में इन्वेस्ट मीट किया था, पूछना चाहता हूँ जो पिछले बार पिछले साल इन्वेस्ट किया था उस पर कितना लोग इन्वेस्ट किया है, उसका जवाब देना होगा विधानसभा के।